आप कितना भी बूढ़ा हो जाओ फॉरेन टूर कर सकते हो। अच्छा, लेकिन एक बार आपका एज निकल जाए तो आप इंडिया में नहीं घूम सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश सिंह आजाद यूट्यूब चैनल। वेल, अभी मैंने ट्रैकिंग करने की शुरुआत करी है और मेरी पहली यात्रा महाराष्ट्र, हालांकि इससे पहले क्या नाम है बिहार में, राजगीर बिहार, पहली मेरी यात्रा हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में मेरी मुलाकात एक सुपर ट्रैकर से हुई। उससे पहले मैं बता दूं, जिस रूम में इस वक्त मैं हूं वहां टाउरी सर भी हैं और वज्रासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। राइट सर, नमस्ते। अच्छा, कुछ डायलॉग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। देसी आनंद है, जरा जवान लोग जुड़िए, जरा ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, खेल कूद सीखिए, अंग्रेजी पढ़िए और अपना धंधा बढ़ाने का ज्यादा सोचिए। पेड़ पानी गाय गोबर में शुभकामनाएं। थैंक यू। ये प्रोफेसर साहब हैं, सिंह साहब हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं कॉलेजेस के, और ये हैं सर प्रोफेशनल गाय, मार्शल आर्ट ट्रेनर, कंसल्टेंट। जयेश देवलालिकर। या जयेश देव, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंड आई सर को मुझे नहीं मालूम, बट ये सर भी पाटिल साहब, जय हिंद, पारनेर से हैं। और ये इरमेल मारला जी हैं मैडम, और ये हैं वो ट्रैकर, इनका नाम है चंद्रकांत रंगदल, जेरोक्स वाला, पेटेंट इज जेरोक्स वाला। आपकी कंपनी का भी प्रचार कर देता हूँ। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये ऑल इंडिया कवर कर चुके हैं, तमाम डिफिकल्ट जो माउंटेन्स हिल्स हैं, साथ में नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन सब जगहों पे। तो इनके पीठ पे जो आपको दिख रहा है, ये है इनका टेंट, जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी कि मैं उसे देखूं और जानूं। तो सर प्लीज एक बार टेंट लगाइए और अपना एक्सपीरियंस बता दीजिएगा जी। इससे कितना भी वजन हो, अपने को कंधों पे बोझ नहीं आता। राइट, ये टूरिस्ट बैग है, इसमें होता है जी, बहुत सारे सामान है आपके, कपड़ा सुखाने के लिए, राइट, रेनकोट, और ये तो स्लीपिंग बैग्स होती है, राइट, क्योंकि ये दो जने का टेंट होता है। दो जनों का, दो जने के लिए एकोमोडेशन हो जाता है एक टेंट, राइट। अच्छा, इसमें बारिश हो या फिर तूफान में कोई डर नहीं लगता आपको? खुलने के बाद आपको पता चलेगा कि तूफान के लिए इसमें एक रस्सी भी दी है। अच्छा, और बारिश के लिए इसमें रेनकोट अलग से दिया है। नहीं नहीं, तो पता चला रात में आप सोए और तूफान आपको बहा के कहीं और, उसके लिए उन्होंने रस्सी दिया है जिसको ठोक के आप जमीन में पक्का कर सकते हो। ओके, ग्रेट। और ये उड़ क्यों नहीं जाता है? जो बेस पे आप सोए हो करते भी रहिए जी, उसी पे इसका सारा यानी ये खड़ा होता है, टेंट खड़ा होता है। अच्छा, तो जब ओपन हो जाएगा आपको नहीं कहे, स्ट्रांग तो है ये, स्टिफ है, ठीक है जी। हाँ, फोल्ड करिए, बनाइए इसको, अनफोल्ड करो। ये होता है इसका रेनकोट, यदि बारिश होती है तो इसको लगाना पड़ता है। इसे बारिश अगर लगता है आपको आशंका है तो लगा लीजिए। और ये होता है जो हवा से उड़ ना जाए, इसके लिए पैकिंग शीट्स होती है। अच्छा, उसे आप, और ये होता है पूरा टेंट, ठीक है। मैं बता दूं व्यूअर्स को कि इनके पास वो कौन सी, आपके पास व्हीकल है, जरा नाम बताइए टूर पर्पस के लिए, टूरिंग के लिए। ओ, जाइलो का ऑफ रोड। अच्छा अच्छा, ऑफ डन, हमर लुक। अच्छा, हमर लुक, और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची व्हीकल, राइट, ये भी आपने बताया था। हालांकि सर को बुलेट पे चढ़ने का भी शौक है, मुझे भी है। ये स्टिक्स होती है, इसमें ये फोल्ड में ऐसा, ये आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव डन इट, राइट राइट। अच्छा, व्यूअर्स को देखना जरूरी है ना, ये इसमें ऐसा होल में पिन अप करने पर। ये होने के बाद इसको ये नॉब दिया है। अच्छा, वो इसमें लग जाता है, राइट। तो जब तक ये कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मजाक मजाक में जब इनकी पहली नौकरी लगी तो वही मार्केटिंग का जॉब इनको मिला था, तो वही मार्केटिंग से इनके पास ये ट्रैकिंग का आइडिया आया, ट्रैवलिंग का आइडिया आया। फिर इन्होंने धीरे 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 नॉर्थ साउथ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, लाइक नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन जगहों पर इन्होंने अभी तक ट्रैवलिंग करी है। और ये भाई साहब पैदल भी चलते हैं, अपनी गाड़ी से भी जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, और कभी कभी हिच हैकिंग, आई होप यू नो अबाउट दैट, ये उसकी भी मदद लेते हैं।
अच्छा ये भी बता दीजिए, काम करते करते इंडिया से बाहर आई मीन यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जाने का आपका आइडिया? अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि इंडिया ही जब पूरा देख लूंगा जी। एक प्रॉब्लम है कि आप कितना भी बूढ़ा हो जाओ फॉरेन टूर कर सकते हो। अच्छा, लेकिन एक बार आपका एज निकल जाए तो आप इंडिया में नहीं घूम सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय चढ़ना तो उतना डेवलप नहीं हुआ है और आपको ट्रैक करके वहां तक जाना पड़ता है, तो आउट ऑफ इंडिया भी तो काफी हाई रेंजेस माउंटेन्स का जो शौक है। अच्छा, वो आप नेपाल भूटान तक कर सकते हैं। अच्छा, बाकी कॉस्टली जाता है। राइट, यदि आप बोलेंगे यूरोपियन कंट्री अमेरिकन कंट्री में ट्रैक करेंगे तो वहां तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत महंगा हो जाता है। राइट, और कभी ऐसा हुआ कि आप मातृभूमि से इतना प्रेम करता हूँ जब तक इसको पूरा ना जान लो मुझे फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप टेंट लगा के रास्ते में सो रहे हैं और कुत्ते ने आपको मतलब आप पर अटैक कर दिया, इसे फाड़ दिया? नहीं, अब एक बार अंदर भी जाइए ना सर, अंदर जाइए। जनरली हम क्या करते हैं जी, जहाँ मंदिर हो या कोई सिक्योरिटी एकोमोडेशन ऑफ होटल वगैरह, तो होटल वाले भी वहीं सो लेते हैं, हम भी बाहर लगा रहते हैं, छोटा होटल होता है वो भी बाहर सोता है, काइंड ऑफ ढाबा एंड ऑल। हां, राइट राइट राइट। तो ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट हो कहीं ना कहीं हम एकोमोडेशन करते हैं। राइट, अच्छा हाँ, दो लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। हाँ, तो इसमें ये होता है बैकपैक वाला कंसेप्ट। अच्छा, आप बात करते करते ये भी बता दीजिए कि पहली ट्रैवलिंग जब आप अकेले सोलो पे आप ज्यादातर जाते हैं तो आपको डर भी लगा था क्या? नहीं, पहले ट्रैकिंग पहला बार क्या हुआ था, हम चार जने जाने वाले थे अमरनाथ गुफा जी, लेकिन तब वहाँ बालताल में बाढ़ आ गई थी। अच्छा, सब डर के है ना कैंसिल कर दिए, तो फिर उस वक्त मैंने जबरदस्ती एक जन का खर्चा मैं करता हूँ बेटा चल साथ में, मैं भी डर रहा था लेकिन गया उसके साथ। उस वक्त मैंने मेरा इच्छा पत्र लिख के मेरे बाप को और मेरे साले साहब को देके गया था कि यदि मैं वापिस आऊं तो ये मुझे देना और नहीं आया तो फाड़ देना और सब अंदर का पढ़ लेना। तो ये तो डर उस दिन था मुझे, फिर मैं गया। लेकिन सोलो ट्रिप का एक फायदा उस दिन मुझे समझ में आया, जब हम है ना 10 लोग 5 लोग ऐसे जाते हैं तो उधर जाके इधर की बातें करते हैं और इधर आने के बाद उधर की बातें करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है। अरे वाह, तो इसमें ये चेंज होता है। अच्छा चंद्रकांत भाई, महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र से हैं तो सबसे डिफिकल्ट फोर्ट्स हैं जिनकी चढ़ाई काफी ऊपर, जैसे हरिहर फोर्ट हो गया, रायगढ़ हो गया, ऐसे बहुत चढ़ाई है, भीमा शंकर का सीढ़ी घाट। तो आपने यहाँ पर ट्रैकिंग करी है? हाँ, अभी ये कोरोना काल में एक कलकत्ता से मेरा फॉलोअर है ज्योति का चौधरी एंड हिज हस्बैंड, तो वो आए थे कि हमें इधर करना है। एक्चुअली उनका शादी 40 साल बाद में हुआ और मेरे पे उसका इतना विश्वास है कि जो मैं बोला वो उसने कर दिया और उसकी शादी हो गई। तो उसका हस्बैंड बोला अपने को कहाँ जाना है, बोले इसके लिए हनीमून के लिए। वो शिव की इतनी भक्त है कि वो दुल्हन का वेश किए बिना शिव मंदिर में भी नहीं जाती थी। अरे वाह। तो उसने बोला ये सब गुरुजी मेरे को 5 ज्योतिर्लिंग करने, तो मेरी तरफ आई थी, मैंने उनको पैकेज दिया था 5 ज्योतिर्लिंग का। तब वो बोली मुझे बस से घर से नहीं जाना है, मुझे ट्रैक से जाना है, तो मुझे मुंबई घुमा के उसको ट्रैक से लेके जाना पड़ा। टाइम देखो, टाइम देखिए, टाइम देखिए, अंदर जाइए, एक बार अंदर जाके दिखाइए और टावरी सर के अंदाज में बोलिए वाह 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 वाह। आप आ जाओ ना, आपका निकल लेते। वेरी नाइस, आप दोनों आ जाओ। ठीक है, ठीक है रणवीर। वेरी नाइस। डायलॉग बोलिए कि हमको बाहर निकाल सके जमाने में दम नहीं। नहीं, हम ही आ जाते भाई, अंदर रहने में काम भी कम नहीं है। वेरी नाइस, पाटिल साहब को भी आनंद आ गया। अब अपने कॉलेज के बच्चों की ट्रैकिंग करवाएंगे चंद्रकांत जी के माध्यम से। कोई मैसेज सोलो ट्रैवलर के लिए? सोलो ट्रैवलिंग के लिए खाली प्लान अनप्लान ये बाकी बातें हैं, जब निकलना है बस निकल जाना है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये थे चंद्रकांत जीरोक्स वाला, रंगदल जीरोक्स वाला फ्रॉम महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये है वो बारिश, अच्छा अच्छा, रेनकोट ऊपर से कवर करने के लिए। वेरी नाइस, तो और बेहतरीन है, फंटास्टिक।
काफ़ी अच्छा लगा और आई होप आपको मैंने ये टेंट मैंने जो ये टेंट है ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था, मेरी भी इच्छा थी कि मैं इसे खरीदूँ बिकॉज मुझे भी ट्रैवलिंग करनी होती है, तो आज मैंने देख लिया और मुझे अच्छा भी लगा मच। हवा से ना उड़ जाए इसके लिए, अरे वाह, इसको स्टक करके ये रस्सी बांधनी पड़ेगी जी जमीन में गाड़ के, टेंट उड़ेगा भी नहीं। अच्छा इसकी कॉस्ट भी बता दीजिए ना लगे हैं तो। ये लिए वैसे 1500 से लेकर 3500 तक है। आपका ये कितने का है? अब पता नहीं। अच्छा गिफ्टेड है? हाँ है, वो डेकेथलॉन से लिया है। अच्छा अच्छा, नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये अच्छा ही होगा, अच्छी क्वालिटी, ये चाइनीज नहीं लग रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, 2500 मान के चलिए, 1.5 से 3.5, थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज, जय हिंद जय भारत।